गुरु नानक जयंती की ढेरों शुभकामनाएं, पूर्ण हो सभी की सारी लोक हितकारी मनोकामनाएं। यह आज का दिन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि हम उस महामानव की जयंती मनाने जा रहे हैं जिन्होंने इस सनातन संस्कृति की परंपराओं के वास्तविक तत्व को समझा, सर्वे भवन्तु सुखना को समझा। सभी में ईश्वर है और ईश्वर में सभी। उन्होंने स्पष्ट कहा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा यह हमारी अपनी उपासना के केंद्र हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर यहां बाधित या बंधित नहीं है। हर प्राणी में, हर आत्मा में परमात्मा। इस ध्येय को रखते हुए उन्होंने जिस पंथ को चलाया वो उस दृष्टि से नहीं चलाया कि हम उसी के एक अंधानुकरण करते हुए ईश्वर को वहां खोजें। उपासना की पद्धतियां हैं अलग अलग। कुल मिलाकर विश्व में सामाजिक समरसता का श्रेष्ठतम मार्ग कोई है तो गुरु नानक देव जी के सिद्धांत हैं। उनका ये कहना था कि हर मानव में देव है, हर मानव में दानव है। हमें देव को जागृत करना है और सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए समग्र विश्व के कल्याण का कार्य करना है। वैसे भी हमारी सनातन संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, और सर्वे भवन्तु सुखना, सबका मंगल में, सबका कल्याण हो, सब आनंद में हो, सभी का भला हो। इसी सिद्धांत को पालते हुए आज जो विश्व में आवश्यकता है सामाजिक समरसता की, सामाजिक समरसता का श्रेष्ठतम मार्ग गुरु नानक देव जी के सिद्धांत, उनकी वाणी, वचन, उनके साहित्य को पढ़ना है। तो हमें लगता है कि इस प्रकार के भाव के साथ विश्व कल्याण की दिशा में बढ़ना ही गुरु नानक देव जी के जयंती की सार्थकता है। धन्यवाद।